Hi everyone, my name is Shyansh Basin and welcome back to the channel The Investrology. So guys, yes, I know कि मैं बहुत time से गायब था YouTube पे and बहुत सारी problems आ गई थी मेरे सामने भी. 13th of Feb को मैं actual में थोड़ा सा बीमार हो गया था, तो मैं अपने होम टाउन चला गया था. तो वहाँ पर मेरे पास सिस्टम और सेटअप नहीं था, तो मैं वीडियोज़ नहीं बना पाया था. एंड आफ्टर दैट जब मैं अपने गुड़गांव में शिफ्ट हुआ दोबारा आया दोबारा, तो वहाँ पे जिस दिन मैं लाइव आया था परसों, उसी टाइम मेरा यूट्यूब की तरफ से मैसेज आता है कि हमने आपका चैनल रिमूव कर दिया है ड्यू टू सम वायलेशंस, और जो आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करा. एंड मैंने सारी फॉलो करी थी, बट उसके बाद भी उन्होंने हटा दिया था. बट जब मैंने अपील करी तो उन लोगों ने अपनी गलती मान ली और मुझे दोबारा मेरा चैनल लौटा दिया गया. एंड हमने कोई भी कम्युनिटी वायलेंस कुछ भी चीज़ें ऐसा नहीं करा था, तो हम दोबारा आ चुके हैं. बट जिस तरीके से यूट्यूब से मेरा चैनल उड़ा था, उस दिन मुझे रियलाइजेशन हो गया था कि ये यूट्यूब, ये जो कम्युनिटी है, ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके बिना, मतलब 3-4 साल इस यूट्यूब कम्युनिटी को देने के बाद भी अगर इस तरीके का सिनेरियो मेरे सामने हो रहा है और मैं किस तरीके से प्रेशर फील कर रहा था, फेस कर रहा था, तो आई अंडरस्टैंड कि ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बींग देयर फॉर मी. एंड डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने मेरे को मैसेज लिखे कि हमने ऐसा ट्विटर पे डाला, हमने ऑफिशियल मेल कराई कि आपका चैनल वापस आ जाए. तो आई पर्सनली थिंक कि आप सब लोगों को थैंक यू भी बोलना चाहिए. थैंक यू सो मच. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं. रेगुलर रहूँगा मैं मार्केट के अंदर और अब बहुत सारा नया कंटेंट मैं लेकर आने वाला हूँ. स्टार्ट करते हैं, तो बात करते हैं मार्केट की. अब मार्केट में ना बहुत ज़्यादा टेंशन फेस कर रहे हो यार. यूक्रेन रशिया का जो इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर, साइडवेज मार्केट जा रही है. वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम होती जा रही है. क्या करना है, कब मार्केट के अंदर अब एंटर करने का सही टाइम है कि नहीं है, क्या मार्केट को थोड़ी देर के लिए पीछे होके बस ऑब्जर्व करें और एक ट्रेंड पता चले तो वहां पर ट्रेड लेने की कोशिश करें. सारी बातें करते हैं इस वीडियो के अंदर. बताऊंगा मैं क्या क्या करना है, कैसे करना है, क्या अप्रोच लेकर चलनी है. एंड बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है. तो पर्सनली जरूर समझना, अगर आप लोग पहली बार मतलब मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर आप शुरुआत से ज़्यादा बढ़िया तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर सकते, या आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते मार्केट के अंदर, तो प्लीज़ ये वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ. तो चलते हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल की तरफ और देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट को हमें अप्रोच करना चाहिए. ओके गाइज, तो हम लोग अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर आ चुके हैं. सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं, ठीक है. अब सबसे पहले ना सिचुएशन समझने की कोशिश करो. तो यहाँ पर ना दो सिनेरियो हैं अगर हम इस यूक्रेन और रशिया को समझने की कोशिश करें. मैं अभी और भी आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ और अप्रोच सोच रहा हूँ कि किस तरीके से ये माइंडसेट प्ले करा जा रहा है. क्या ये जो न्यूज़ इंडियन न्यूज़ में जो बार बार आ रहा है कि World War III हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है, आगे पीछे चल क्या रहा है. तो मैं अगर पॉलिटिकली की बात करूँ तो देखिए, सबसे पहली चीज़ हमें पता होनी चाहिए. दिसंबर पे ही क्रूड ट्रेड कर रहा था, ऑयल ट्रेड कर रहा था अराउंड $68 पे, एंड अभी ट्रेड कर रहा है 97-98 रुपीज़ के आसपास. बहुत बड़ा स्पाइक हमें देखने को मिला. दूसरी चीज़ हमें ये समझनी है कि जो एक्चुअल में जो बात चल रही है, ये चल रही थी कि यूक्रेन आना चाहता था नाटो के अंदर. नाटो NATO एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर आना चाहता था. और वो नाटो ऑर्गेनाइजेशन तभी बनाई गई थी कि USSR को ख़त्म करना है, ऑर्गेनाइजेशन जो थी उसको ख़त्म करना है. वो ऑलरेडी ख़त्म हो गई थी, बट तब भी नाटो अप्रोच कर रहा था यूक्रेन को कि आप आओ और ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करो. मैं ज़्यादा बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, शायद बीच में कुछ पॉइंट्स मिस हो जाएं, तो अपनी थॉरली स्टडी ज़रूर करना, ठीक है. सो जितना मेरे ने पढ़ा है, तो यहाँ पे अब रशिया बीच में आती है कि नाटो की हमें ज़रूरत क्या है, दोबारा इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने की क्या ज़रूरत है, जब एक्चुअल में ये बनाई इसलिए गई थी कि USSR को ख़त्म कर दें, और वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है. और नाटो अगर हम बात करें तो यूरोप का पार्ट है, रशिया यूरोप का पार्ट है, और यूक्रेन उस पर नहीं आता, मतलब आता है बट नॉट इन सिमिलर वे वो आता है, उस यूरोप के अंदर वो आता है. तो यहाँ पर ही इसी तरीके से बहस छिड़ गई थी, अगर आप नाटो के अंदर आते हो तो फिर आपको हमारे थ्रू सामना करना पड़ेगा, बिकॉज यूरोप के भी डिसीजंस के अंदर यूक्रेन का हाथ हो जाएगा और वो रशिया नहीं चाहता. सो इस बेसिस पे सारी बातें चल रही थी. एंड वॉर का बात जो चल रही है, हमने ट्रूप्स यहाँ खड़े कर दिए. आप न्यूज़ में देखते होंगे, सुबह जब मार्केट ओपन होती है, मार्केट ऊपर ओपन होती है, हमें न्यूज़ आती है अरे यहाँ पर तो ट्रूप्स दोबारा बॉर्डर के अंदर आ गए हैं और फायरिंग स्टार्ट हो सकती है. मार्केट नीचे जैसे ही मार्केट अपने बॉटम पे होती है, आती है अरे एक दोबारा नया न्यूज़ आई है, एक नया आर्टिकल आया है कि ट्रूप्स दोबारा पीछे लेकर जा रहे हैं, थोड़े बहुत ट्रूप्स पीछे लेकर जा रही है रशिया, और शायद वॉर ना करे, या शायद लड़ाई ना करे, या शायद बॉर्डर के अंदर ना घुसे. तो आप पैटर्न समझ रहे हो, पैटर्न इस तरीके से वर्क कर रहा है. अगर मैं पॉलिटिकली बात करूं,
कि सबसे पहली चीज हमें समझनी है, जब मैं यूएस में जब मैं ऑयल की बात कर रहा हूँ ना, तो ऑयल 65 से 97 98 होने की फायदा किसको है? देखिए, अगर क्रूड ऑयल या ऑयल बढ़ रहा है ना, तो फायदा सबसे ज्यादा रशिया को है, क्योंकि रशिया का जो एक्सपोर्ट है वो 60% ऑयल है। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो ऑयल रशिया मतलब एक्सपोर्ट करती है रशिया चीज, वो ऑयल करती है 60%, और यूक्रेन भी उसको सप्लाई करती है। यस गाइस, यूक्रेन ऑयल भी सप्लाई करती है, जितने भी पार्ट्स होते हैं जो रशिया भेजती है वो यूक्रेन के थ्रू भेजती है। सो आप अगर यहाँ पर माइंडसेट थोड़ा बहुत समझेंगे कि एक्चुअल में ना वो लोग क्या चाह रहे हैं, वो लोग ऑयल के प्राइसेस को ड्रास्टिकली बढ़ा रहे हैं। बिकॉज आपको पता है, देखिए जब भी कोई वॉर की सिचुएशन होती है, आप देखोगे कमोडिटी गोल्ड के प्राइसेस, सिल्वर के कमोडिटी, सिंपल कमोडिटी, ऑयल के प्राइसेस और कमोडिटी के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ते हैं। एक्चुअल मार्केट के अंदर बहुत तेजी से राइज होते हैं। आप चेक करना, कमोडिटी के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और ऑयल तो बढ़ ही रहा है। तो ये पूरा उनकी तरफ से मैं जो एग्जामिन करके चल रहा हूँ कि बॉर्डर में आ रहे हैं, लड़ नहीं रहे हैं, फिर निकाल रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, कोई वॉर वाला सिनेरियो तो बिल्कुल भी नहीं है। एक छोटी सी टर्म को लेकर अगर इतनी बड़ी लड़ाई चल रही है, तो आई डोंट थिंक ऐसा होने वाला। और देखिए गाइस, World War III तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मतलब अगर रशिया एंटर भी कर जाता है यूक्रेन के अंदर भी, मतलब वैसा वाला सिनेरियो हो जाता है लड़ाई वाला, तो सबसे ज्यादा जो खतरा है वो रशिया को ही है। क्यों? क्योंकि चाइना भी पीछे पड़ी हुई है ताइवान को लेने के लिए। वो भी बोलती है ताइवान हमारा चाइना का पार्ट है। तो अगर पूरा फोकस ना रशिया का यूक्रेन की तरफ चले जाएगा, जब पूरा का पूरा फोकस उन दोनों फाइट पे शिफ्ट हो जाएगा ना, तो चाइना पीछे से आके ताइवान को भी ले जाएगी। तो मतलब एक तरीके से फिर लड़ाइयां ही लड़ाइयां हर देश के अंदर हमें देखने को मिलेगी, और वो ऐसा हो भी नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो चीज़ आपको भी पता है, वो रियलिस्ट सिचुएशन में भी नहीं हो सकती है। बहुत मतलब कुछ ऐसा एक्सट्रीम सिनेरियो होता है जहां पर हम इसके बारे में सोचते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। हमें प्रैक्टिकली ये सारी बातें सोचनी है, ठीक है। सो फ्रॉम माय साइड कुछ ज़्यादा बड़ी बहस नहीं है, ये सिर्फ इस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं कि कमोडिटी के प्राइसेस आप देख रहे होंगे कितने टाइम बाद जाके तो गोल्ड का प्राइस भी 50,000 रुपये के ऊपर गया है। तो पॉइंट समझ रहे हो ना, 50,000 56 का इसका शायद लाइफ टाइम हाई है। कौन सा हाई है? रिसेंट 1 ईयर का हाई है गोल्ड का। जब कमोडिटी के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, तो आई थिंक अभी हमारे लिए सेफ बेट क्या है, यूएस के सॉरी ऑयल के रिफाइनरी स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग कमोडिटी स्टॉक्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम लोग अभी थोड़ा सा दूर रह सकते हैं लग्जरी गुड्स में। लग्जरी गुड्स हो गए या फिर हो गया आईटी। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया, बट ऑन अ शॉर्ट टर्म मतलब 2 से 3 महीने के लिए आईटी भी सबसे ज़्यादा है। बिकॉज अभी मुंबई पे आपने देखा होगा, एक न्यूज़ आई थी कि मुंबई के एयरपोर्ट पे जहाँ पर 5 टर्मिनल है, उस 5 टर्मिनल में से 1 टर्मिनल के अंदर साइबर अटैक हो गया। यस गाइस, जो कि पता चल रहा है कि चाइना के थ्रू हुआ है साइबर अटैक 1 टर्मिनल के अंदर। आप समझ सकते हैं जो ये सारी चीज़ें जो हो रही है ना, तो आई थिंक आईटी भी इफेक्ट थोड़ा बहुत करेगा। तो यहाँ पर हमें सिनेरियो समझना है कि मार्केट पे इस टाइम हमें बाय करना है, सेल करना है या वेट करना है। और आई थिंक अब मैं आपको टेक्निकल वे पे बता दूंगा। देखिए, जैसे मैंने तरीके से बात करी, आपको पता चल गया कि अभी वो लोग ना प्राइसेस को इफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कि ऑयल के प्राइसेस, कमोडिटी के प्राइसेस ऊपर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक्चुअल में फायदा उन दोनों कंट्री का है, उन दोनों ही कंट्री का फायदा उसमें। सो आई थिंक हमें अभी उस सिनेरियो पे नहीं जाना चाहिए कि मार्केट क्रैश होगी। आप क्लियरली देखिएगा, मैंने वीकली टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है निफ्टी का, एंड यहाँ पर आप क्लियरली समझ सकते हैं मार्केट अपने बॉटम से ऑलमोस्ट इस लेवल पे आ चुकी है। अगर मार्केट हम अभी इतने टाइम से जो ये जो वॉलीटिलिटी है ना, लोग गलत सोचने लग जाते हैं इस वॉलीटिलिटी को, वो लोग एज अ क्रैश या एज अ करेक्शन लेकर चलते हैं। अभी तक तो एक करेक्शन भी हमें देखने को नहीं मिला। अभी ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 17,100 रुपीज पे। 3 दिन पहले ट्रेड कर रहा था, 2 दिन पहले ट्रेड कर रहा था 17,400 रुपीज पे। 300-400 पॉइंट ना अब कुछ मायने नहीं रखता। ये इतनी बड़ी मूवमेंट 13,800 से लेके 15,000 एक हफ्ते के अंदर दे दी है। इट्स नॉट कि अब ये बुल रन आ गया या फिर ये करेक्शन आ गया। इट्स टर्म को अभी के लिए हम इग्नोर करते हैं। सिर्फ हमें ये चीज समझनी है कि मार्केट राइट नाउ इज इन अ साइडवेज, इट्स वेरी वॉलेटाइल। वॉलेटाइल क्यों? बिकॉज वो दो कंट्रीज अपना रोल प्ले कर रही हैं, उसकी वजह से हम अपने मार्केट पे इफेक्ट फील कर रहे हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, यार सर रशिया के भी तो स्टॉक मार्केट में इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ा, 13% मार्केट गिर गई। तो देखिए, वहां से वो लोग अच्छे से उभर सकते हैं, बट वो जो ऑयल के प्राइसेस जो बढ़ने से इफेक्ट से जो उनको फायदा है, वो एक्चुअल में एक फायदा है। तभी वो इस वॉर को कंटिन्यू रखे हुए हैं, मतलब तभी वो उस फाइट को कंटिन्यू रखे हुए हैं। बट बात बहुत छोटी सी है, ज्यादा कुछ बड़ी नहीं है। आई थिंक वो बहुत ईजिली सॉर्ट आउट हो सकती थी। तो आप टेक्निकल्स की बात करते हैं। पॉइंट आप मेरा समझ गए कि द मार्केट इज वेरी रेंज बाउंड, मार्केट इज वेरी वॉलेटाइल। आई थिंक हमें इग्नोर करना चाहिए, वी हैव टू सिट बैक,
सिर्फ मार्केट को वॉच करो। देखिए होता क्या है ना, जो लोग इम्पेशेंट होंगे वो मार्केट के अंदर, इस मार्केट के अंदर बहुत पैसा गंवा रहे होंगे, और दूसरी चीज ऑप्शन ट्रेडर बहुत पैसा गंवा चुके होंगे। आई कैन बी 110% श्योर ऑप्शन बायर्स तो बहुत ज़्यादा पैसा गंवा चुके होंगे। अगर वो स्कैल्पिंग कर रहे होंगे देन इट्स वेल एंड गुड, अदर देन वो लोगों ने पैसा गंवाया होगा। जो लोग सेफ हैं, सेफ इन द सेंस जो आयरन बटरफ्लाई फॉलो कर रहे हैं, वो शायद, वो भी दूर का, वो शायद थोड़ा बहुत सेफ है, और आई थिंक वही सबसे ज़्यादा सूटेबल है। तो मैं उसी हिसाब से मार्केट को कल से वॉच करना स्टार्ट करा, पूरी एनालिसिस करी, क्योंकि मैंने 2 हफ्ते से मार्केट को भी नहीं देखा था। मैं 2 हफ्ते से पहले बीमार था, फिर यूट्यूब की टेंशन थी एंड मैं पूरा फोकस नहीं कर पाया था। बट जब मैंने ये चीज़ सिनेरियो देखी, आप देखिएगा ये वीकली टाइम फ्रेम ओपन है, ये कैंडल देख रहे हैं, इस कैंडल का मैं ऊपर का हाई ले लेता हूँ एंड इस कैंडल का मैं क्लोज प्राइस ले लेता हूँ। क्लोज ले लो या फिर अपना लो ले लो, इस कैंडल को ऑब्जर्व करना। इस कैंडल के अंदर आप देखेंगे ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, 5 हफ्ते मार्केट इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करी है, इसी रेंज के अंदर मार्केट कंसोलिडेट करी है पूरा, एज यू कैन सी इट हियर। सो फ्रॉम माय साइड, जब मार्केट कंसोलिडेट करी है, दैट डजंट मीन कि मार्केट एक करेक्शन कर रही है, मार्केट एक क्रैश आ सकता है। आप देख सकते हैं नीचे वेकाई, ऊपर क्लोजिंग, नीचे वेकाई, ऊपर क्लोजिंग, नीचे वेकाई, ऊपर क्लोजिंग। पॉइंट मेरा समझिए किस तरीके से वर्क कर रही है, ठीक है। अगर मैं सिमिलरली बैंक निफ्टी का भी ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, सिमिलर सिचुएशन है। बैंक निफ्टी ने, आप ये रेड कलर, ब्लैक कलर की लाइन पे फोकस करेगा, इस कैंडल का ब्रेकआउट दिया था, इस कैंडल ने इस प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट दिया था इस लेवल पे, और ये था टॉप। अब आप देखेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 7 हफ्ते, 7 वीक गाइस, मतलब 1.5 महीने से बैंक निफ्टी इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। दैट डजंट मीन कि मार्केट एक करेक्शन और क्रैश कर रही है, जो बहुत सारे थंबनेल्स पे आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा चीज़ों पे आ रहा होगा, न्यूज़ पे आ रहा होगा कि क्रैश कर सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो हमें वो डरने की जरूरत नहीं है। पहली बात, हमारे पास शायद ऑयल का भी अच्छा खासा रिजर्व है, जो मैंने अभी पढ़ा नहीं है, बट आई मुझे लग रहा है कि एक इंट्यूशन है कि हमारे पास ऑयल का रिजर्व है, तो ज़्यादा इस चीज़ से या इस दोनों की फाइट से हमें ज़्यादा इंपैक्ट नहीं होगी, हमारी इंडियन इकोनॉमी ज़्यादा इंपैक्ट नहीं होगी, ठीक है। और हमारे यहाँ पर तो पहले ही कमोडिटी के प्राइसेस इतने बढ़ चुके थे, तो वो भी ज़्यादा इफेक्शन में नहीं आएगा। पॉइंट हमारा ये समझने की ज़रूरत है, आप कैंडल्स को ऑब्जर्व तो करो, आपको कोई एक सिंपल डिसीजन मिल रहा है कि वेदर वी हैव टू गो फॉर अ बाय और फॉर अ सेल। हम न्यूज़ को एक सेकेंड के लिए भूल जाते हैं, बट अगर आप सिर्फ टेक्निकल्स पे फॉलो करोगे तो इसको देखकर हम कोई डिसीजन नहीं बना सकते। सो फ्रॉम माय साइड, स्टे आउट ऑफ द मार्केट फॉर फ्यू डेज, एक हफ्ते के लिए मार्केट से दूर रहो, जस्ट ऑब्जर्व कि किस तरीके से सिनेरियो प्ले हो रहा है। एक तमीज की बुलिश कैंडल मिल जाए या तमीज की बियरिश कैंडल मिल जाए, हम वहां पर अपना डिसीजन ले सकते हैं, बट इन कैंडल्स को देखकर हम अपना कोई डिसीजन नहीं ले सकते। आप चेक करिएगा किस तरीके से वर्क हो रहा है। सी, ये देखिए, एक अच्छी अपमूव आई, नीचे आया, एक बहुत बड़ा रिजेक्शन फेस करा, दोबारा ऊपर गया, प्रीवियस हाई क्लोज नहीं करा, नीचे आया, एक बहुत बड़ा गैप डाउन, गैप डाउन, इतना बड़ा गैप डाउन करने के बाद सबसे पहली बात तो हमें ये चीज़ पता लगानी चाहिए थी कि ये इसका लो है, यहाँ तक तो मोस्ट प्रॉबेबली आना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा गैप डाउन। अदर देन दैट, अगले दिन एक बहुत ही बड़ी रिकवरी आ गई, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल इसने क्रिएट कर दिया है, और उसके बाद दोबारा एक फॉल, फिर आज एक गैप डाउन, ऊपर नीचे, ऊपर रिकवरी, फिर यहाँ पर ओपन होता है, फिर ऊपर जाके क्लोज होता है, यहाँ पर ओपन होता है। तो आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हैं, मार्केट इज नॉट एट दिस पॉइंट कि हमें यहाँ पर एक तमीज का सिस्टमैटिक लेवल्स मिल पाए जहां पर हम एक्यूमुलेट कर पाए, बिकॉज वी डोंट नो, शायद ये लेवल ब्रेक हो जाए, शायद और ऊपर चले जाए। तो इट्स बेटर टू स्टेप असाइड फ्रॉम द मार्केट फॉर फ्यू डेज, एंड मेरे हिसाब से ये ज़्यादा प्ले सेफ रहेगा। बिकॉज अगर हम जबरदस्ती मार्केट के अंदर एंटर करेंगे कि हमें ट्रेड लेना है, हमें ट्रेड लेना है, तो वहां पर अपनी कैपिटल भी गवाओगे, वहां पर अपना जो फियर है, जो मार्केट के अंदर आपका इंटरेस्ट है, उसको भी निगलेक्ट करोगे, उसको भी खत्म करने की कोशिश करोगे। सो फ्रॉम माई साइड, इट्स बेटर टू स्टेप असाइड रैदर देन ट्रेड समथिंग विच वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट कि हम उस चीज को क्या, किस बिहाफ में उसको ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। न्यूज पे हमें पता चल रहा है द मार्केट इज साइडवेज, न्यूज अभी इंपैक्ट कर रही है, वॉलेटिलिटी के सेशन पे चार्ट्स हमें बता रहे हैं कि वॉलेटिलिटी डेफिनेटली इंक्रीज हो रही है। एंड फॉर, एंड टू चेक द वॉलेटिलिटी, लेट्स गो टू इंडिया विक्स। यू कैन सी इंडिया विक्स किस तरीके से ग्रो कर रहा है। लेट मी ओपन अ वीकली टाइम फ्रेम फॉर इंडिया विक्स, एंड अगर आप चेक करोगे तो ये जो लाइन है, दिस इज द लाइन, अगर इस लाइन के ऊपर आप चेक करिएगा, इस लाइन के ऊपर ये कब गया था, 2014 पे इसके ऊपर गया था, उसके बाद से ऊपर नहीं गया। आप चेक कर रहे हो 2014 पे ये ऊपर गया था, 7 अप्रैल, चेक करते हैं 7 अप्रैल 2014 पे ही ऊपर गया था, कब तक, 7 5 में,
मान के चलो 15 दिन के लिए, तो 7 अप्रैल का एक बार निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं 2014 का, एक बार चेक करते हैं हुआ क्या था, ठीक है, हमें थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। आई थिंक ये 2014 अप्रैल, या सी दिस, यहां था 7 अप्रैल और ये था 5 मई, ये था 5 मई, एक बहुत अच्छी अपमूव आई थी, यहां पर हम ये चीज समझ गए हैं। बट एक बार दोबारा इंडिया विक्स को ओपन करते हैं, ठीक है, यहां पर देखिएगा, अभी ये एक सिनेरियो तो चलिए हम मान के चल गए, बट यहां जब ऊपर गया था 2020 जब कोविड आया था गाइस, ये ऑलमोस्ट 28 रुपीज से 185 हो गया था एंड हमारी मार्केट 15,000 से 7,500 रुपये आ गई थी। सो मेरा पॉइंट समझिएगा, ये जो ब्रेकआउट दिया था उसके बाद ये 2 साल से अभी तक ब्रेकआउट नहीं दे पाया है। अगर ये इसके ऊपर निकलना स्टार्ट कर गया तो वॉलीटिलिटी और ज्यादा बढ़ेगी, आइदर इट कैन बी ऑन अपसाइड और इट कैन बी ऑन अ डाउन साइड, वी आर नॉट वेरी श्योर। बट अगर हम लोग सिस्टमैटिकली इंडिया से कंपेयर करें तो बोथ आर व्हाट वी कैन से नॉट इंटरकनेक्टेड, दोनों ऑपोजिट है, इन द सेंस कि अगर इंडिया विक्स बढ़ता है तो हमारी मार्केट जनरली गिरती है, और अगर इंडिया विक्स गिरती है तो जनरली हमारी मार्केट बढ़ती है। बट इस पे हम लोग 100% श्योर नहीं है, एज हम लोगों ने अभी पीछे यहाँ पर भी देख लिया है। बट हमें तैयार रहना है कि इंडिया विक्स और वॉलेटिलिटी इज राइजिंग वेरी वेरी हाई और ये शायद ब्रेकआउट दे सकती है। सो हमें एक प्रॉपर सेटअप के साथ एक प्रॉपर टाइम पे एंट्री लेनी है, रैदर देन हम कोई भी टाइम पे एंट्री ले लें और फिर हम अपने स्टॉप लॉसेस के साथ रोए, ठीक है। सो फ्रॉम माय साइड इट्स रैदर टू स्टेप असाइड और टू ट्रेड इन द मार्केट, ठीक है। अब यहां पे बात आती है कि सर क्या करें, फिर क्या करें, कुछ स्टॉक्स में भी ट्रेड ना लें, कुछ भी ना करें। तो देखिए, हमने इतनी बात कर ली है कि कमोडिटी और ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो जो इफेक्ट कर सकती हैं वो कंपनीज जिनसे फायदा हो सकता है हम उस पर ट्रेड कर सकते हैं। बट अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आ सकता है, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या आ सकता है कि सर अभी आपने बोला कि हमारे पास ऑलरेडी रिजर्व है तो आई थिंक उस पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। यस, अगर हम ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और हमारा ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं होता, और उल्टा इंपोर्ट करते हैं ऑयल के प्राइसेस को, मतलब ऑयल को इंपोर्ट करते हैं ना, वी हैव द सरप्लस ऑयल रिजर्व, तो आई थिंक हमें कुछ ज्यादा या उन कंपनीज को भी ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो अब करें क्या, कौन से स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करें, क्या करें। देखिए मेरे हिसाब से ना FMCG इट्स वेरी डाउन, FMCG अच्छा नीचे आ चुका है, इट्स रादर वी कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग और स्टार्ट यूजिंग शॉर्ट टर्म SIPs और एक स्मॉल केस ले सकते हैं FMCG का, वो बढ़िया ऑप्शन है, रादर देन अगर हम वेट करें कि मार्केट क्रैश करे, इट्स नॉट अ वेरी गुड चॉइस। हमें उस चीज़ के लिए वेट नहीं करना, मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। मैं कह रहा हूँ मार्केट अगर 15,000 रुपये में भी आती है ना, इट्स नॉट अ क्रैश, इट्स अ माइनर रिट्रेसमेंट। आप पॉइंट समझिएगा, इतनी बड़ी अपमूव के बाद अगर मार्केट 14,500 रुपये भी आती है ना, तो वो सिर्फ एक माइनर रिट्रेसमेंट है, इट्स नॉट अ क्रैश और अ करेक्शन। मैं क्रैश तब मान के चलता जब ये 11,500 को ब्रेक करके जाती, बट अब क्वेश्चन ये आता है सर इट्स बहुत बड़ी लेवल हो गया, इसको इग्नोर कर सकते हैं, तो चलिए इस लेवल को लेते हैं। यहीं से एक रैली आना स्टार्ट हुई है, आ गए, सी दिस, अच्छा खासा इस लेवल ने यहाँ पर पॉज लिया, एक ब्रेकआउट दिया, अगेन इस लेवल पे आया, 38% पे आया। अगर अब ये लेवल ब्रेक होता है तो यस, तब हम एक शॉर्ट बना सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ दिस, ठीक है। अब चलिए मेरी बात समझिए, यहाँ पर लेट मी गिव यू अ शॉर्ट लेवल बाय के लिए, अभी हम वी आर नॉट वेरी श्योर, बट मैं एक शॉर्ट लेवल दे सकता हूँ। हम लोग शॉर्ट करेंगे जब वीकली कैंडल क्लोज करेगी 16,850 के नीचे। यस गाइस, अगर ये क्लोज कर जाती है 16,850 रुपीज के नीचे, हम अपना एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं वीकली क्लोजिंग पे, और हमारा जो टारगेट होगा दैट शुड बी अराउंड 16,300 का टारगेट होगा, जो इजिली अचीवेबल है। 400 पॉइंट इजिली नेक्स्ट वीक के अंदर हमें बहुत इजिली मिल जाएगा। सो हमें करना क्या है, हमें सिर्फ पेशेंसली वेट करना है इस लेवल का ब्रेक होने का, वहां पर हम शॉर्ट करेंगे, रैदर देन बाय के लिए कोई अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है। बाय के लिए हम लोग येस एज अ स्कैल्पिंग यूज कर सकते हैं कि 10 मिनट में हमने एक ऑप्शन बाय करा है, हमें एक अपमूव दिख रही है, उस अपमूव में हम लोग निकल गए, बिकॉज मार्केट पर अभी चल यही रहा है, एक अपमूव आ रही है रैदर देन फिर एक दोबारा फॉल आ रहा है, फिर एक अपमूव आ रही है दोबारा फिर एक फॉल आ रहा है, सेम सिनेरियो चल रहा है, तो वहां पर हमारे लिए सेफ नहीं है। और स्टॉक्स के अंदर भी वो हो रहा है, मैं आपको ना स्टॉक्स की कुछ लिस्ट दिखाता हूँ जो मेरे पास अभी पड़ी हुई है, आप चेक करिएगा। यस, ये देखिएगा, एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया था लिंडा इंडस्ट्री इंडिया के अंदर, बहुत टाइम से रेंज बाउंड था, एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आफ्टर अ वेरी गुड गैप डाउन और इसके नीचे क्लोज करा। इट्स नॉट एन इनसाइड कैंडल, इनसाइड कैंडल होती है जब इसी लेवल पे ओपन होके इसी लेवल के आसपास क्लोज हो,
इट्स येस वी कैन से इट इन इट्स एन इनसाइड कैंडल, बट ये फुल प्रूफ या वैसी इसकी एक्यूरेसी और प्रोबेबिलिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो इसके अलावा चलो कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी हीरो मोटोकॉर्प। ठीक है, हीरो मोटोकॉर्प पे भी आप क्लियरली देख सकते हैं आफ्टर अ वेरी लॉन्ग कंसोलिडेशन, लेट मी ओपन अ वीकली टाइम फ्रेम फॉर यू, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग कंसोलिडेशन फाइनली इसने इस लेवल के ऊपर एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करी। एज यू कैन सी ये कैंडल थी फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब कम से कम चार हफ्ते तक इसी लेवल पे कंसोलिडेट करता रहा और ये इसका प्रीवियस स्विंग हाई था। एज यू कैन सी इट हियर, इट क्रिएटेड अ बुलिश हेड एंड शोल्डर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ब्रेकआउट दिया, आफ्टर दैट एक वेरी गुड गैप डाउन आया नेक्स्ट डे और नीचे ट्रेड कर रहा है। सो मेरा पॉइंट समझिए, हर ब्रेकआउट स्टॉक्स पे भी ट्रेड नहीं मिल रहे हैं क्योंकि ब्रेकआउट आ रहा है रैदर देन अगले दिन एक गैप डाउन आ रहा है। कोई भी स्टॉक अगर ब्रेक डाउन कर रहा है तो वो एक गैप अप के साथ खुल रहा है, तो इट्स रैदर टू स्टेप असाइड। मैं दोबारा सेम ही चीज रिपीट कर रहा हूं कि मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करो, एक हफ्ता ऑब्जर्व करो, एक हफ्ता मत ट्रेड करो क्योंकि यहां पर कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है। रैदर मैं आपको कोई भी स्टॉक रिकमेंड कर सकता हूं अभी बाय करने के लिए, आप ये कर लो, ये आपको 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट में मिल रहा है, बट वहां पर आपको कोई फायदा नहीं है और मैं भी 100% श्योर नहीं हूं कि वो टारगेट्स तक रीच करेगा बिकॉज ऑफ द सिनेरियो, बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर द चार्ट्स आर मेकिंग। सो फ्रॉम माय साइड, अगर आपको मेरे थ्रू ट्रेड लेना पसंद है, अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पसंद है, सो इट्स आई एम सेइंग इट वेरी करेक्टली कि अभी मत लो। मार्केट नीचे जा रही है, अच्छे लेवल्स मिलेंगे वहां पर बाय करेंगे। मार्केट इट्स नॉट बियरिश, मार्केट बियरिश नहीं है, मार्केट बुलिश है, मार्केट एक साइडवेज पोजिशनिंग क्रिएट कर रही है। अब वो हो सकता है एक्यूमुलेशन भी और वो हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन भी। लेट मी शो यू किस चीज की मैं बात कर रहा हूँ। सो अभी मैंने निफ्टी ओपन करा, निफ्टी का हम लोग बोल सकते हैं आफ्टर डूइंग अ वेरी गुड अप मूव, आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड अप मूव, ये इसने बहुत अच्छी अप मूव दी है। ठीक है, अप मूव देने के बाद यहां पर हमने देखा होगा कि मल्टीपल हम लोगों को क्या देखने को मिले, मल्टीपल हम लोगों को रेंज देखने को मिली है। उस रेंज पे क्या हुआ, देखिए रेंज के दो सिनेरियो है, ऊपर भी अगर हो, ऊपर या तो एक्यूमुलेशन हो रहा होगा या लोग बाइंग कर रहे होंगे लोअर लेवल्स पे, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा ऊपर लेवल पे, वो लोग सेलिंग कर रहे होंगे और इन दी एंड मार्केट नीचे या ऊपर जाएगी। वी डोंट नो डैट कि एक्यूमुलेशन है या ये डिस्ट्रीब्यूशन है जब तक रैदर साइड आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन नहीं आता। सो आप ये देखिएगा, एक बहुत बड़ी अप मूव के बाद कहीं पर किसी ने यहां बाय करा, यहां बाय करा, इधर बाय करा, इधर बाय करा, अब ये एक रेंज के अंदर, एक साइडवेज के अंदर जा चुकी है। अब ये रेंज हो सकता है कि जितने लोगों ने यहाँ पर बाय करा हुआ है वो इस जगह निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो एफआईआईज हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, रैदर देन वो लोगों ने इन लेवल्स पे भी तो बाय करी है, बट उनको ये लेवल भी इतना चीप लग रहा है, जो प्राइस है, जो निफ्टी का जो मार्केट का प्राइस है वो अभी भी चीप लग रहा है, दैट दे आर एक्यूमुलेटिंग ऑन दीज लोअर लेवल्स और वहां से एक अपमूव आ रही है। सो वी आर नॉट श्योर कि किस तरीके से वर्क कर रहा है, हम यही अप्रोच लेकर चल सकते हैं। अगर ये ब्रेकडाउन देगा, हमें पता चल गया इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन, देन डेफिनेटली वी कैन शॉर्ट द मार्केट, और अगर इसके ऊपर निकलता है तो देन येस वी कैन एक्सपेक्ट कि नीचे से एक्यूमुलेशन हो रही है। देखिए मार्केट को समझना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स ऑल अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट, इट्स ऑल अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ ईच एंड एवरी कैंडल रिप्रेजेंटिंग द पीपल्स इमोशन, पीपल बिहेवियर, बिकॉज ये सारी कैंडल्स हम लोग बना रहे हैं, हर एक कैंडल के पीछे हमारे ह्यूमंस का ही इमोशंस है और वही कैंडल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वही कैंडल को बना रहा है। सो अगर हम इस चीज को समझ जाएंगे, हम हर चीज को समझ जाएंगे। ठीक है, तो फ्रॉम माई साइड दिस वीडियो इज द एंड, मैं कोई स्टॉक नहीं दे पाया, मैं नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूँ पेशेंसली वेट करो, ऑब्जर्व करो मार्केट को एंड देन ट्रेड। ठीक है, लेट मी डू वन थिंग, कल क्या करते हैं, नॉट कल, कल वेडनेसडे है, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कम लाइव टुमारो, और मैं थर्सडे को मैं लाइव आऊंगा, थर्सडे को हम एक पूरा रियल लाइफ सिनेरियो देखेंगे मार्केट के अंदर कि कैसे ओपनिंग हो रही है, कैसे गिरावट आ रही है, क्या स्ट्रक्चर है। जब मैं आपको लाइव में समझाऊंगा ना कि मार्केट का बिहेवियर क्या चल रहा है, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। एंड प्लीज डू स्टडी, रीड ऑल द आर्टिकल्स। देखिए इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन पुटिंग योर मनी इन द स्टॉक मार्केट, यू हैव टू रीड ऑल द आर्टिकल्स जो भी अभी न्यूज, करंट न्यूज चल रही है, बिकॉज अगर आप इसी के ऊपर रिलाय करोगे देन इट्स नॉट गुड। सो प्लीज डू रीड कि क्या प्रॉब्लम है, आर्टिकल्स पे बिलीव मत करो क्योंकि वो ओपिनियंस है लोगों के, डोंट बिलीव दैट, बट आप खुद अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू निकालो कि पॉलिटिकली और किस वे में, क्या कंट्रीज के वे में क्या वो चल रहा है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो पसंद आई है प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव जो मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, जो मार्केट के अंदर पैसा लगा के बैठे हुए हैं, टू टेल देम प्लीज बी पेशेंस, मार्केट जब इस लेवल को ब्रेक करेगी तब हमारे जो होल्डिंग्स पड़ी हुई है तब उसमें हम डिसीजंस लेना स्टार्ट करेंगे, रैदर देन अभी एग्जिट करने की कोशिश मत करो,
कोई वर्ल्ड वॉर नहीं आने वाला, कोई लड़ाई नहीं होने वाली है, जिस तरीके से मैं सोच के चल रहा हूँ। इफ यू एग्री विद माई पॉइंट ऑफ व्यू, हैव अ वेरी गुड डे गाइस, बाय बाय।